नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ नगर में कोविड-19 के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर कुमार जायसवाल ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव कुमार के कुशल निर्देशन में शनिवार शाम को नगर में दुकानों, प्रतिष्ठानों, शॉपिंग मॉल पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क का प्रयोग करने और ग्राहकों के नाम मोबाइल नंबर रजिस्टर में अंकित करने के निर्देश दिए गए। नियमों का पालन न करने वालों पर चालान के माध्यम से कार्रवाई की गई। सघन चेकिंग अभियान चलाए जाने से दुकानदारों में हड़कंप की स्थिति उत्पन्न हो गई। लोग एक दूसरे से जानकारी लेते दिखे। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव कुमार, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के गुप्ता, पुलिस प्रशासन के लोग उपस्थित रहे। कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए कभी अभियान चलाया जाता है तो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 15 दिन 15 प्रोजेक्ट में इन दुकानों पर सैनिटाइजर नहीं है, थर्मल स्कैन नहीं है, रिकॉर्ड नहीं मेंटेन हो रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ साथ जनता को, दुकानदारों को कोविड प्रसार के रोकथाम के जो उपाय हैं उनके बारे में जागरूक किया जा रहा है। किस तरह कार्रवाई कर रहे हैं, किस तरह कार्रवाई बताया जा रहा है? जो लोग नहीं पालन कर रहे हैं, मास्क नहीं लगाए हैं, दुकानों में सैनिटाइजर नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं रहा, उनके खिलाफ चालान कार्रवाई की जा रही है। जुर्माना लगा रहे हैं? जुर्माना चालान किया जा रहा है 15 दिन 15 में, उसमें जुर्माना होता है और 88 मुकदमे भी लिखे जा रहे हैं। इसके साथ साथ कार्रवाई के साथ साथ पब्लिक को जागरूक भी किया जा रहा है।